हाय, मैं राजीव सर। आज हम चर्चा करने आए हैं बाबू, वैकेंसी की अंबार आ गई है। सीजीएल 37,000 प्लस, सीजीएल 37,000 प्लस, इसकी पहले हम चर्चा करते हैं। सीजीएल जो होता है इनकम टैक्स ऑफिसर, ऑडिटर, जितने अच्छे पोस्ट पे हैं ये एसएससी के माध्यम से आता है बाबू। और ये जॉब के बारे में जितना प्रशंसा किया जाए कम है। हम अपनी लाइफ में अभी तक जो फॉर्म हम भरे हैं इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई है 37,000 प्लस का। ये भी वैकेंसी 37,000 प्लस। अब उसके बाद क्या है, इसमें आप लग जाना है, छोड़ना नहीं। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है तो कोशिश करना है। उसके बस जस्ट हाई कोर्ट का फॉर्म आ चुका है जो लमसम 550, कितना 550। ये भी हमको लगता है कि 2014 या 15 में माथम क्लास में भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, 180 सीट था, आज 550 है। इसमें भी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी, इसमें भी वही कहानी है। आपका सिलेबस मोटा मोटी एक ही समान है, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लीजिएगा तो और सेक्शन क्लियर हो जाएगा। और उसमें साथ में और वैकेंसी क्या है, आज पेपर में पता चला है कि 1,00,000 प्लस वैकेंसी, 1,00,000 क्या प्लस वैकेंसी इस साल के मध्य में, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बीच में आपके पास 1,00,000 वैकेंसी प्लस। रेलवे में 1,50,000, 1,00,000 के प्लस ही रहेगा, माइनस होने का सवाल नहीं आता है। उसके साथ आप कई बार पता कर चुके हैं कि बिहार पुलिस का 10,000 वैकेंसी आने वाला है। उसके बाद क्या है, बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। वैकेंसी का अंबार लगा हुआ है बाबू। बस आपका चाह है कि जी जान लगाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए और अपनी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा जो सपना आपने देखे हैं ना, खासकर वो व्यक्ति जो आम व्यक्ति है, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो एक पेन की दम से वो आम से खास बन सकता है। इसलिए आज से गोल अचीवमेंट करने के लिए लग जाइए बाबू, सोना नहीं पढ़ना ही है। आप एक माइंड सेट कीजिए, 8 बजे जब सोना सब शुरू करेगा तो 8 से 12 या रात को पढ़िए, जब सो जाए तब पढ़िए, फिर सब जब सवेरे जग कर पढ़िए, जब आपको टाइम मिले तब पढ़िए। एमटीएस का भी वैकेंसी ज़बरदस्त आ चुका है, आप देख ही रहे हैं, वो 12,000 प्लस में वैकेंसी है, उसमें भी है, एमटीएस में है। वर्ड मीनिंग वोकलरी आपको कैसे याद करना है उस हिसाब से एकदम टारगेट बनाइए, एक कॉपी बनाइए, नोट कीजिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अपने मिशन को कैसे पूरा करना है। लेकिन अभी नहीं कर पाए ना बाबू, तो पछताने के अलावा कुछ नहीं है। सब कुछ छोड़ दीजिए, केवल लग जाइए माता पिता गुरु और अपने भविष्यता के एक विरासत के रूप में तैयार हो जाइए। कुछ नहीं करेंगे, यही कहेंगे अभी नहीं तो कभी नहीं। इतना याद रखिए, ये साल बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, लगा दो पूरा जी जान, आम से खास बन जाओ, क्योंकि आम से खास बनने के लिए लगाना पड़ेगा एड़ी चोटी का दम। ठीक है, बाय बाय।